हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा, वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। आज की जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनको ड्यू पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है और जो ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं आज, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट है, चाहे एसओएल के या एनसीवेब के, सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखो, काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बोले थे मैम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, कोई कोड की प्रॉब्लम आ रही है या मेल पे हमारा जो है पासवर्ड नहीं आ रहा है या जो ओटीपी आने वाला था वो नहीं आ रहा। तो पहली बात तो आपको वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करानी है जो आपकी वैलिड ईमेल आईडी है, जो काम कर रही है, ठीक है, उसी पे तो आएगा ना आपका जो ओटीपी। अगर आपने कोई ऐसी ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दी जो आपके फ़ोन में ही नहीं है या काम ही नहीं कर रही, तो आप कैसे करोगे? तो प्लीज़ वो ईमेल आईडी प्रोवाइड कराओ जो आपकी चालू है ईमेल आईडी। और दूसरी बात, अगर अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हो जाएगा, डोंट वरी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आपका मॉक टेस्ट निकला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, 4 दिन का पूरा टाइम है आपके पास मॉक टेस्ट के लिए और उसके बाद आपके 3 स्लॉट हैं आज, है ना। अगर 7:30 वाला स्लॉट निकल भी गया तो क्या हुआ यार, 11:30 बजे आप दे सकते हो दोबारा से, फिर उसके बाद आप 3:30 बजे वाला भी ट्राई कर सकते हो। तो वो 3 स्लॉट इसीलिए हैं कि अगर किसी को मॉर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है वो सेकंड शिफ्ट में दे ले या थर्ड शिफ्ट में दे ले। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना क्या है, देखो, अगर आप स्मूथली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका एक बार में रजिस्ट्रेशन हो जाए ना, तो आप ये वीडियो देखो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि रजिस्ट्रेशन पे जो है पोर्टल ओपन हो गया है और मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, एक एक स्टेप मैंने बताया है रजिस्टर करके दिखाया है कि कैसे रजिस्टर करना है। तो इस वाली वीडियो को देखो यार, आपके लिए तो बनाई है ना ये कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए रजिस्टर करने में, तो इस वीडियो को देखो। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और अपने जो मेरा इंस्टा का पेज है उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं पिन भी कर दूंगी उसको कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां से मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो ये चीज़ हो गई और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी कि मॉक टेस्ट के टाइम इन बातों का ध्यान रखें। तो अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट शुरू नहीं किया है, आप 11:30 वाला या 3:30 वाला दे रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो बाकी मैं आपको अपना इंस्टा का जो लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है ना वहाँ पे कमेंट करो, क्योंकि ना यूट्यूब पे जब आप कमेंट करते हो तो आपके कमेंट ना आगे पीछे हो जाते हैं, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ सारे, या फिर वो कभी कोई शो होता है कभी कोई शो नहीं होता है। तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करके पूछो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, और रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो को जरूर देख लो और ये मॉक टेस्ट वाली वीडियो को भी, किन बातों का ध्यान रखना ये जरूर देख लो ताकि आपकी कोई गलती ना हो और स्मूथली सब काम आपका चलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।